अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शावेज मोहम्मद इनायत। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक ओएसटी के ऊपर जिस ड्रामा का नाम है डंक। डंक हो सकता है, वो डंक हो सकता है, डंक, हाँ डंक, डंक, डंक हो सकता है, हाँ DANK, डंक। ओके, वहाँ का डंक, वहाँ का डंक। ओके, सो सिंगर है नईम अब्बास रूफी, आई थिंक इनका भी नाम हम पहली बार सुन रहे हैं और बहुत अरसे से इसका सजेशन आ रहा है। फाइनली वी आर एक्टिव ऑन दिस एंड आई होप कि जितना आप लोग सजेस्ट कर रहे थे उतना ही अच्छा हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। स्टार्ट। यस जी हां, मैं मौजूद हूं उस यूनिवर्सिटी में जहां एक तलबा अमल फराज ने अपने प्रोफेसर अहमद पर जिनसी हिरासत का इल्जाम लगाया है। किसका इल्जाम? हरासिंग। कांटों पे रखे गुलाब क्यों है? Oh, looks like. जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों है? किसको सुनाऊं? के मर जावा मैं हुन जीवा के मर जावा मैं हुन जीवा के मर जावा हुन जीवा के मर जावा। साइलेंस पर कंसल्टेशन के लिए प्रोफेसर का बुलाना एक रूटीन की बात है। ये झूठ है, इल्जाम है, मुझे झूठ बोल रहे प्रोफेसर हुमायूं। तुम और हैदर बचपन से एक दूसरे के साथ बोलने में अभी तक। अभी तो कहानी शुरू हुई है। महरम हूँ या मुजरिम हूँ मैं, ऊपर वाला सब जाने। तू बोले तो पी लूँ उसको जिस पानी में जहर घुले। देख करी तू ख्याल रब्बा मैं हूँ जीवा के मर जावा मैं हूँ जीवा के मर जावा मैं हूँ जीवा के मर जावा मैं हूँ जीवा के मर जावा। देखो सच और झूठ की निजात बड़ी तमीज हो। बाबा आफ्टर दिस बैक टच मी, डोंट टच मी। देखने वाला कोई नहीं है मंजर के बस मंजर को। साहिल से क्या जाने कोई इतने गहरे सागर को। रास्ता चलने वाले तो बस, ओ रास्ता चलने वाले तो बस धूल उड़ाते रहते हैं। मैं उसकी हालत क्या है जाने कौन मुसाफिर को। दिल नुए होंदा मलाल रब्बा मैं हुण जीवा के मर जावा मैं हुण जीवा के मर जावा। व्हाट मोहसिन अली डंक। बेसिकली क्या है कि शायद एक टीचर हैं जिनको कुछ इल्ज़ाम लगा हुआ है हरास करने का। यस तो उसके बारे में कुछ है ये, तो हरासमेंट का टीचर का एक अलग स्टोरी लग रही है मुझे। कब की है ये? 2020 की लगती है मुझे। 20 हाँ 20 की। तो हाँ वही वो डंक बोल था कि मतलब एक फिर वो बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं इस टीचर के, और स्टूडेंट को बाद में पता लगता है कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था गलत लगाया था, मे बी मैं उन्होंने जीना कि मैं मर जाऊँ उसमें। और इसमें जो है ना इसके जो एक है ना कोसा है वो मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम कब आया था वो हिस्ट्री 2020 वही मेरे पास तुम हो इससे पहले आया, इसके बाद आया था पहले, इससे पहले आया था। तो उसी की थोड़ी सी टोन फ्लेवर लग रहा था मुझे। वो पार्ट भी था इसमें वो है ना वो एक है ना वो जो साउंड है ना वो एक अरदास कुछ ऐसे हो रहे ना, वो एक लॉन्गिंग की जो होती है वो टोन वो उसमें कुछ वो फ्लेवर दिखा रहा था इसमें, थोड़ा लग रहा था कहीं ना कहीं लग रहा था। हमें क्या लगता है ना दिस वाई दिस हैपेंस दिस के वी थिंक के एवरी कंटेंट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान ओनली। वी थिंक कि एक ही कोई बंदा बना रहा होगा ऐसे है ना। डू यू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी आर वाचिंग पाकिस्तानी कंटेंट जब देख रहे हैं हम या फिर देख रहे हैं, हमको लगता है कि एक ही कंट्री से ये आ रहे हैं तो कोई एक ही चैनल होगा या फिर एक ही होगा, क्योंकि लोगों को ARY नहीं पता है, हम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है लोगों को। वी जस्ट वॉच इट ऑन यूट्यूब, वी जस्ट वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स, वी डोंट नो कि कौन से चैनल से कहाँ पे आ रहा है। बट वी ऑल्सो डोंट नो कि वी ऑल्सो शुड नो कि वहाँ पे भी बहुत सारा कॉम्पिटिशन है चैनल्स के बीच में। हम टीवी, जियो टीवी, ARY और क्या था उसमें ARY, हम टीवी, जियो टीवी, हरपल जियो और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं वहाँ पे। दीज आर द चैनल्स जो कि बहुत नामदार हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे OSTs हैं, बहुत सारे OSTs आते होंगे वहाँ पे। देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट गेटिंग क्रिएटेड देयर। उसकी वजह से अगेन व्हाट हैपेंस कि कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन डिराइव करते हैं ये। You know, इंडिया में क्या है नहीं, इंडिया में वी हैव बॉलीवुड, वी हैव टॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड एंड ऑल द स्टफ। पाकिस्तान में क्या है, इट्स अ लॉलीवुड एंड जितना भी कंटेंट आता है एक ही इंडस्ट्री। देयर इज नॉट लाइक मल्टीपल लैंग्वेजेस, यू नो, देयर इज नो कन्नड़ा, देयर इज नो तमिल, देयर इज नो मलयालम, देयर ओनली उर्दू, और उर्दू लैंग्वेज ही कंटेंट आता है। सो क्या होता है कि अब यहाँ पर क्या होता है कि देयर इज अ टोन इन बॉलीवुड में जो भी एक ट्यून बनी है, क्या भी बना है, तो वी कैन से कि इट्स हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। ओके, जैसे कि तेलुगु से गाना उठा के यहाँ पर बनाया गया है। बट वहाँ पर क्या होता है कि देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट्स फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। हम लोग देखते हैं एज अ, जैसे हम बॉलीवुड फिल्में ही देखते हैं, जैसे कि चुरा के दिल मेरा, इमेजिन कोई पहले से यहाँ से रीमेक हो गया। सो वहाँ पर वैसा ही वही उस तरीके का होता है। इट्स अ टोन इंस्पिरेशन एंड ऑल दो स्टफ एंड आई थिंक वो चलता है हर जगह पे। या एक इंस्पिरेशन तो बनता ही है एंड ऑल। सो दिस वॉट हैपन, दैट्स द रीज़न हम लोगों को बहुत वो नो सिमिलैरिटी दिखती है कि ये नहीं यहाँ से ये ऐसा दिख रहा है या ऐसा दिख रहा है। Yeah, it was an average OST, not such a cool one, but yeah, concept interesting दिख रहा था। बहुत ही emotional ride होगी ये drama, and I think यहाँ पर जो professor हैं उनके दो अलग अलग चेहरे दिखाए जा रहे हैं। There is one evil one and there is one you know एक family man का जो एक soft corner होता है वो, and वो तो definitely drama देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा सही है, because you know there is a laugh एविल लॉफ जैसा भी दिखाया जा रहा है। इट्स एक्चुअली दिखाया भी जा रहा है कि वो हाथ पकड़ रहे हैं, वो खींच रहे हैं लड़की को, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं। एंड यू नो देयर इज टू वर्जन्स एंड आई थिंक लड़की का भी देयर विल बी सम वर्जन। या वी कांट से कि यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है, वो तो ड्रामा देखने का समय पता चलेगा। बट इट्स अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड वेरी सेंसिटिव टॉपिक एक्चुअली, यू नो, राइट नाउ के मामले के हिसाब से बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड आई थिंक उसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना बनता है। इधर उधर हुआ तो साला ड्रामा की बैंड बजा देंगे लोग। एंड आई थिंक जितनी तारीफ है हमें सुनने को मिल रही है, इट्स आई थिंक इट्स अ वर्थ वॉचिंग। अच्छा ड्रामा ही होगा बिकॉज कोई भी नेगेटिव यू नो पॉइंट्स तो हमें देखने मिले। एंड देयर वाज वन कमेंट जहाँ पर बोला कि इट्स अ वेरी गुड OST एंड ऑल। आई डोंट अग्री विद इट, इट्स एवरेज OST। जो भी हमने सुना है पहले OST उसके हिसाब से इट्स एवरेज OST, बट स्टिल अ वेरी गुड टॉपिक एक्चुअली। ग्रेट टू वॉच दिस। या डंक, मुझे डंक में कुछ ऐसा लगा, यू नो, देयर विल बी टू विचेस, इसको डंक, ये इसके पीछे वो कर रही है बैंड बजा रही, इसके पीछे वो बैंड बजा हुआ। बट यहाँ पर कुछ और ही यू नो टॉपिक दिख रहा था। या डेफिनेटली देयर विल बी सम सिमिलैरिटी, कोई ना कोई तो होगा हिंट जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया। सही है। या सो दिस वाज आवर रिएक्शन ऑन डंक OST। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो द इंस्टाग्राम जिसके डिटेल्स हमने दिए हैं एंड यू कैन फॉलो और इंस्टाग्राम ऑफिशियल कड़क रिएक्शन पे जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप हमें फॉलो कर सकते हो जिसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। दिस मोहम्मद शावेज मोहम्मद इनायत साइनिंग ऑफ।